गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. नाउ हम लोग कर रहे थे बेटा ट्रांसक्रिप्शन इन द लास्ट वीडियो, राइट? तो मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया था कि कैसे डीएनए आरएनए बनाता है, राइट? दैट इज ट्रांसक्रिप्शन. और आरएनए से अमीनो एसिड्स कैसे बनते हैं, दैट इज ट्रांसलेशन, राइट? जो हम आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड का. मैं हम लोगों ने उसमें किया था कि जीन का कोड रहता है. अब म्यूटेशंस क्या होती हैं? अब मान लीजिए आपके डीएनए का कोई भी पार्ट, ठीक है, उसमें से कट जाता है या ऐड हो जाता है, ठीक है. मान लो ये हमारे पास एक डीएनए है, इसमें से मैंने इतना पार्ट काट दिया और ये इसके साथ अटैच कर दिया, या एक और पार्ट ऐड कर दिया इसके अंदर, क्लियर? डिलीशन एंड रीअरेंजमेंट, उसमें से कट भी सकते हैं और रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, ठीक है. तो उससे क्या होता है बेटा, अब क्योंकि जीन्स जो आपके करेक्टर्स कंट्रोल कर रही हैं, तो कोई भी पार्ट अगर नया ऐड होता है या पुराने में से कुछ कटता है, उस पर जीन्स पे इफेक्ट पड़ता है और उससे नए करेक्टर्स सडनली अपीयर होते हैं, उसको हम शॉर्ट में म्यूटेशंस बोलते हैं बेटा. दैट इज कॉल्ड म्यूटेशंस. अब इनका जेनेटिक कोड से क्या लेना देना, लेट्स सी. अब मैंने यहाँ एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा है, राम हैज रेड कैप, ठीक है. और हमने लास्ट वीडियो में किया था कि तीन तीन का सेट बनाना आपने, न्यूक्लियोटाइड्स तीन तीन मिलके ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है, एक जीन में. तो ये राम हैज रेड कैप, मैंने तीन तीन वर्ड्स को लिया. अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बी ऐड कर दिया. अब बी ऐड करने से क्या होगा, तीन तीन का सेट है, कॉन्टिन्यूस हमने फीचर्स किए थे, तो हैज ब्री का पी. अब देखिए पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया. सो दिस इज म्यूटेशन, राइट? नाउ नेक्स्ट, अब हम डिटेल में करेंगे ट्रांसलेशन. नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन, राइट? ट्रांसलेशन का मतलब है कि आरएनए से अमीनो एसिड्स कैसे बनेंगे, राइट? प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स टू द पॉलीपेप्टाइड, राइट? व्हाट इज ट्रांसलेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स टू पॉलीपेप्टाइड. नाउ अब पॉलीपेप्टाइड्स अमीनो एसिड्स कैसे बनेंगे, क्या सीक्वेंस रहेगा उसमें, that depends on the sequences of the bases in mRNA. Messenger RNA कैसे न्यूक्लियोटाइड्स लेके आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह के नए इम्यूनो एसिड्स तैयार होंगे, राइट? नाउ इम्यूनो एसिड्स जो भी बनेंगे, दे आर ज्वाइंड बाय विच बॉन्ड, पैप्टाइड बॉन्ड, क्लियर? इम्यूनो एसिड्स आर ज्वाइंड बाय विच बॉन्ड, पैप्टाइड बॉन्ड. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. नाउ इम्यूनो एसिड्स शुड बी एक्टिवेटेड. आप इनको एक्टिवेट करना है एंड दे विल नीड सम एनर्जी, और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा बेटा, एटीपी. सो अमीनो एसिड्स विल गेट एटीपी एंड गेट एक्टिवेटेड. नाउ आफ्टर एक्टिवेशन, जब अमीनो एसिड्स एक्टिवेट हो जाएंगे, दे विल लिंक टू देयर कॉग्निट आरएनए. अब उसको ट्रांसफर भी तो करना है, कहाँ लेके जाना है, तो अब वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग टीआरएनए के साथ आफ्टर एक्टिवेशन अटैच हो जाएंगे. एंड व्हाट वी कॉल दिस प्रोसेस, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए. इस प्रोसेस का नाम है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमीनो आइसोलेशन ऑफ टीआरएनए, राइट? व्हाट वी कॉल इट, अगेन आई रिपीट, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमीनो आइसोलेशन ऑफ टीआरएनए. नाउ इफ द टू चार्ज्ड टीआरएनए, अभी जो दो टीआरएनए चार्ज हुए थे बाय टेकिंग एनर्जी एटीपी, इफ दे विल कम क्लोजर एनाफ, अगर उनको एक खास लिमिट तक पास में हम एक दूसरे के कर दें, तो दे विल फॉर्म अ पेप्टाइड बॉन्ड. तो उन दोनों में अपने आप एक एनर्जेटिक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, राइट? अब उस बॉन्ड को अगर जो मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बना रहे हैं, अगर वहाँ पे कैटलिस्ट भी अवेलेबल हो, तो दैट विल एनहांस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन. तो ये प्रोसेस और भी फास्ट हो जाएगा. कैटलिस्ट का काम ही होता है चीज़ों को फास्ट करना, पॉजिटिव कैटलिस्ट में बोलते हैं उसको, राइट? अब आपको पता है कि प्रोटीन सेल में कहाँ बनते हैं, अगर हम सेलुलर मशीनरी की बात करें, तो प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड इन द राइबोसोम. ये आपने सेल में प्लस वन में भी किया था, नाइन्थ में भी, राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज, राइट? तो राइबोसोम्स जो हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द प्रोटीन्स. नाउ आरएनएस, सॉरी, द राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनएस एंड 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स. अब राइबोसोम्स में क्या रहता है, स्ट्रक्चरल आरएनएस रहते हैं और आपके पास 80 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, क्लियर?
अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो उसमें एक तो आरएनए रहेगा और दूसरा 80 तरह के प्रोटीन्स अवेलेबल रहेंगे बेटा उसमें, क्लियर नाउ। लेकिन ये प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर इन द इनएक्टिव स्टेट, लेकिन ये जो है किस स्टेट में है, इनएक्टिव, दे आर नॉट इन द एक्टिव फॉर्म, दे आर इन द इनएक्टिव स्टेट, क्लियर नाउ। अब इसमें दो सब यूनिट्स रहते हैं, आपको स्ट्रक्चर किया और राइबोसोम्स का, एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट, एक ऐसे लार्ज पार्ट होता है राइबोसोम्स में और एक ऐसे स्मॉल पार्ट रहता है, राइट, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट, क्लियर नाउ। स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्स एन एमआरएनए, जो स्मॉलर यूनिट है उसमें एमआरएनए रहता है बेटा, एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिंस, क्लियर, जो छोटे वाला पार्ट है उसमें जो मैसेंजर आरएनए है उसमें प्रोटीन्स बनना स्टार्ट होता है। देर आर टू साइट्स इन द लार्ज सब यूनिट्स, जो सब यूनिट्स है उसमें दो साइट्स रहती हैं फॉर सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड्स टू बाइंड, ठीक है, अमीनो एसिड्स को बाइंड करने के लिए इसमें दो साइट्स होती हैं। नाउ इफ दे विल कम क्लोज एनफ टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, राइबोसोम एक्ट एज अ कैटलिस्ट, अगर वो खुद ही पास आ जाते हैं सफिशियंट एनर्जी से तो जो राइबोसोम्स होते हैं बेटा दे विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट, राइट, तो फिर ये कैटलिस्ट का काम करते हैं, यानी कि उस प्रोसेस को एनर्जी तो उनमें है थोड़ा फास्ट करने में हेल्प करेंगे, राइट नाउ। उसके बाद क्लियर, अगर हम ट्रांसलेशन यूनिट की बात करें जिसको हमने एमआरएनए बोला, इज द सीक्वेंस ऑफ आरएनए दैट इज फ्लैंक्ड बाय द स्टार्ट कोडोन, क्लियर, अब इसमें जो स्टार्ट कोडोन है एयूजी, राइट, फ्लैंक्ड कोडोन, क्लियर, एयूजी एंड द स्टूप कोडोन कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड, राइट, एमआरएनए हैज सम एडिशनल सीक्वेंस आल्सो एंड आर नॉट ट्रांसलेटेड, क्लियर, एमआरएनए में कुछ एडिशनल सीक्वेंसेस भी रहते हैं जो ट्रांसलेट नहीं होते, यानी कि जो प्रोटीन्स नहीं बनाते उनको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स, व्हाट यू कॉल इट, अनट्रांसलेटेड रीजन, यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन, क्लियर, यहाँ पे प्रोटीन्स की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। द यूटीआर्स आर प्रेजेंट एट बोथ 5-end एंड 3-end, अभी आपको दोनों फ्री एंड्स पे मिलेंगे, 5-डैश पे भी मिलेगा और 3-डैश पे भी मिलेंगे, राइट, बोथ साइड्स पे मिलेंगे आपको बेटा। दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, इनको स्पेशल चाहिए। नाउ फॉर इनिशिएशन द राइबोसोम्स बाइंड टू द एमआरएनए, आप किसी को अगर स्टार्ट कर रहे हैं इस प्रोसेस को तो राइबोसोम को एमआरएनए के साथ बाइंड होना पड़ेगा एट द स्टार्टिंग कोडोन दैट इज एयूजी That is recognized only by the initiator, tRNA, जो ट्रांसफर RNA है वो इसको इनिशिएट करेगा। The ribosomes proceeds to the elongation phase of the protein synthesis. अब जो ribosomes हैं वो आपके protein synthesis का process शुरू हो गया, अब इस stage पे क्या होगा, The complexes composed of amino acid linked to tRNA. अब इस stage पे जो amino acids हैं, right? एमिनो एसिड्स वो किसके साथ लिंक हो जाएंगे, टीआरएनए के साथ, राइट, दे आर लिंक टू टीआरएनए, एमिनो एसिड्स टीआरएनए के साथ बेटा लिंक्ड हो जाएंगे, क्लियर नाउ, एंड फॉर्मिंग द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, ठीक है, बाइंड टू द, अब उसके बाद जो टीआरएनए एमिनो एसिड्स आपके टीआरएनए के साथ लिंक हो गए, उसके बाद सब्सिक्वेंटली बाइंड टू द एप्रोप्रिएट कोडोन ऑफ द एमआरएनए, फिर ये एमआरएनए के साथ यहाँ पे इसका प्रॉपर कोड होगा वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, राइट नाउ बेस पेयर्स विद द टीआरएनए एंटी कोडोन, क्लियर, द राइबोसोम्स मूव फ्रॉम कोडोन टू कोडोन अलोंग, क्लियर, अलोंग द एमआरएनए, अब वो आगे आगे मूव करेगा और साथ में एमआरएनए यानी कि जो मैसेंजर आरएनए वो भी जाएगा। Now amino acids are added one by one. अब क्योंकि pieces में हैं तो अपने आप एक एक करके amino acids बेटा attach होते जाएंगे and form a polypeptide sequence. Clear? एक लंबी chain बना देंगे by the DNA and represented by the mRNA और उसको represent mRNA करेगा। अब जब ये chain बन जाएगी तो end पे releasing factor रहता है बेटे,
ठीक है, वो इसके साथ बाइंड करेगा और उसके बाद कोडोन्स बनना बंद हो जाएंगे। क्लियर? कोडोन मतलब वो जो जीन्स है, तीन तीन के इम्यूनो एसिड्स का ग्रुप है। नाउ टर्मिनेशन ट्रांसलेशन एंड रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम, और ये जो रिलीज फैक्टर है वो स्टेप को, प्रोसेस को स्टॉप भी करेगा और फिर उसको अमीनो एसिड्स को वहाँ से रिलीज करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन। थैंक्स बेटा।